आज हम यहाँ पर बना रहे हैं मसालेदार बूंदी की सब्जी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है प्लेन बूंदी 100 ग्राम, ये बिना नमक वाली है। ये 100 ग्राम बूंदी हमने ले लिया है। यहाँ पर हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल 2 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा हींग 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें जीरा। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी 2 चम्मच के करीब, क्रश करी हुई है ये, साफ़ करके डालिएगा आप। और बारीक कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च, इसके हमने टमाटर के छिलके और बीज निकाल दिए थे और बारीक करके काटा है, ऐसे हमने 2 टमाटर के करीब हैं ये। और यहाँ पर डालिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, इन्हें अच्छे से आप भून लीजिएगा। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनती है, इसकी अलग सा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के दही। आपने बूंदी का रायता तो बहुत खाया होगा, पर आज हम यहाँ पर बना रहे हैं बूंदी की सूखी सब्जी। आप इसे रोटी, परांठे, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अब इधर हम डाल देंगे ये वाली बूंदी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कम फ्लेम करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे चलाते हुए। बहुत झटपट बनने वाली चटपटी सी सब्जी है, इसे आप कभी भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सब्जी ना हो तो आप इस वाली सब्जी को बना के ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये वाली सब्जी। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी सब्जी बन के आ गई है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी भून के डाल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी सब्जी बनी है, चटपटी मसालेदार, बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी खाने में और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम टाइम में बन जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली रेसिपी। तो आप भी बनाइए, हमें बताइए आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी।